न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल मॉल होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश। कहा, गाइडलाइंस के नियमों का कराएं पालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रदेश में 28 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, प्रदेश में और बेहतर होगी बिजली आपूर्ति। डीएम ने कहा, गोला तहसील में भी स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। तहसील के 5,00,000 लोगों को हो सकेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की मंडली समीक्षा बैठक। उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई टाउन वेंडर कमेटी की बैठक। नगर आयुक्त ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ उठा सकेंगे छोटे व्यापारी। अनलॉक फेज 1 में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। गुरु गोरखनाथ मंदिर में भी तैयारियां पूरी। मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा, शासन की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, नियमों का करना होगा पालन। गोरखपुर जनपद में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण। 5 साल की बच्ची समेत 3 मिले कोरोना पॉजिटिव। जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 129, कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 85। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिलाधिकारी ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों संचालकों को दिया निर्देश। दुकानों प्रतिष्ठानों पर रखें रजिस्टर, दर्ज करें एंट्री। नियमों की अनदेखी करने वालों पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। दाऊदपुर काली मंदिर के समीप स्थापित शायर फिराक गोरखपुरी के क्षतिग्रस्त प्रतिमा का शीघ्र होगा जीर्णोद्धार। नए और भव्य रूप में स्थापित होगी प्रतिमा, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार कराई जा रही है जांच। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, प्रवासी मजदूरों के साथ अब आम लोगों का भी कराया जा रहा है कोरोना टेस्टिंग। चचेरे भाइयों के चर्चित डबल मर्डर में शामिल है 10,000 के इनामी बदमाश को झंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, शेष अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। जिलाधिकारी ने एचडीएफसी के एटीएम मोबाइल वैन का फीता काटकर किया उद्घाटन। हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को दिया धन्यवाद। कहा, आम नागरिकों को इससे मिलेगी सहूलियत। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर क्षेत्र की क्राइम मीटिंग। कहा, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाते हुए कराएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। नसबंदी छोड़ परिवार नियोजन के अन्य सभी वैकल्पिक सेवाएं होंगी बहाल। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दी जाएगी सभी सेवाएं। एसएसपी ने किया साइबर थाने का निरीक्षण। कहा, थाना खुल जाने से साइबर क्राइम के मामलों की रोकथाम और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने में मिलेगी मदद। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चलाया जन जागरूकता अभियान। मलिन बस्ती में किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। और फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने नगर आयुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग।